Hello everyone. Yesterday we have studied about the procedure and the principle of EDTA method, that using EDTA method how can we calculate the hardness of the water. Today we will use the calculations involved to calculate the hardness present in water. So here we go, how we will calculate the hardness of water. In yesterday's procedure we have taken 20 ml of water sample. Actually, in lab, while you perform this experiment, you take water sample in three steps. In first step, the water sample taken by you is standard hard water. Standard hard water. In second step, the water sample you take is unknown hard water. The hardness of water which has to be determined. अननोन हार्ड वाटर, ये वो पानी है जिसकी हार्डनेस आपने निकालनी है. और थर्ड स्टेप में जो आप पानी लेंगे दैट इज बॉइल्ड वाटर. ओके, दैट इज बॉइल्ड वाटर. सो वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन. इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, लेट द वॉल्यूम ऑफ standard hard water taken, let the volume of standard hard water, standard hard water taken, let the volume of standard hard water taken is equal to x ml. ठीक है, आपने जो standard hard water लिया वो आपने ले लिया x ml. That may be 10 ml, that may be 20 ml, that may be 50 ml, जितना भी आप titration flask में लेते हैं. उसके बाद volume of EDTA used, volume of EDTA used is equal to V1 ml. उसको neutralize करने के लिए जो EDTA consume हुआ that is V1 ml. ठीक है, X ml standard hard water को neutralize करने के लिए जो आप EDTA consume कर रहे हो उसको आप V1 से कर रहे हो. मतलब जब अगर आप experiment कर रहे हो तो जो आपकी burette की reading आई standard hard water के साथ वो आपने V1 मानी है. अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनता कैसे है, पहली चीज़ तो आपको ये बता होनी चाहिए. स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, इसमें क्या होता है, हम 1 ml CaCO3 को डिसॉल्व करते हैं, 1 ml CaCO3 डिसॉल्व इन 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. ठीक है, 1 ml CaCO3 जब आप डिसॉल्व करोगे, 1 mg CaCO3 जब आप डिसॉल्व करोगे 1 ml डिस्टिल वाटर के अंदर, तो जो पानी बनता है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. इतना समझ आया, ठीक है. तो x ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने mg CaCO3 होगा, अगर 1 ml में 1 mg है तो x ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने mg CaCO3 होगा, xmg. देखिए 1 ml डिस्टिल वाटर में जब हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना रहे हैं तो 1 ml डिस्टिल वाटर में 1 mg CaCO3 है, तो xml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम CaCO3 होगा, xmg. तो अभी आपने ऊपर कहा कि वॉल्यूम ऑफ EDTA जो यूज हो रहा है V1 ml, वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, xml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि V1 ml EDTA जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा था XML स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को. इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज कर रहा है X मिलीग्राम ऑफ CaCO3 को. ठीक है, V1 ml EDTA न्यूट्रलाइज कर रहा है XMG ऑफ CaCO3 को, क्योंकि XML में XMG CaCO3 प्रेजेंट है. तो 1 ml कितने को करेगा, 1 ml EDTA कितने को न्यूट्रलाइज करेगा, X by V1 mg of CaCO3 को. ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप से ये निकाला कि 1 ml EDTA जो है वो X by V1 mg of CaCO3 को न्यूट्रलाइज कर देता है. डन, यहाँ तक समझ आया, ठीक है. अब सेकंड स्टेप निकालेंगे हम हार्डनेस के लिए. हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप ले रहे हो अननोन वाटर जिसकी आपने हार्डनेस निकालनी है. लेट द वॉल्यूम ऑफ अननोन वाटर सैंपल टेकन,
लेट द वॉल्यूम ऑफ अननोन वाटर सैंपल टेकन, इस बार जो आप अननोन वाटर सैंपल ले रहे हो उसको वाई एम एल ले लीजिए, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को एक्स मान रहे थे इसको वाई मान लो। उसके लिए जो ई डी टी ए यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ ई डी टी ए यूज वी टू एम एल, पहले स्टेप में आपने वी वन लिया था, इस बार जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई उसको मैं वी टू लिख रही हूँ, वो कुछ भी हो सकती है 5.2, 3.2, जो भी आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आ रही है। अब मतलब वी टू एम एल जो है वो वाई एम एल अननोन वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हो कि वी टू एम एल ई डी टी ए जो है आपका वो न्यूट्रलाइज कर रहा है वाई एम एल ऑफ अननोन वाटर सैंपल को, ठीक है जी। इतना अब इससे पहले स्टेप में स्टैंडर्डाइजेशन वाले में आपने निकाला लास्ट जो रिजल्ट आया था कि 1 ml EDTA कितने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 को न्यूट्रलाइज करते हैं, x बाई V1mg ऑफ CaCO3 को, ठीक है। तो 1 ml EDTA अगर इतने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो V2 ml EDTA कितने को करेगा, V2 ml EDTA कितने को करेगा, x by v1 into v2 mg of CaCO3, है ना। 1 ml EDTA जब x by v1 mg of CaCO3 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो v2 ml कितने को करेगा, x by v1 into v2 mg of CaCO3। अब देखिए यहां पे आप कह रहे हो कि v2 ml EDTA x by v1 into v2 mg of CaCO3 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इस स्टेटमेंट में आप कह रहे थे v2 ml of EDTA वाई एम एल ऑफ अननोन वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स को मैं कंपेयर करूं तो इससे आपके पास क्या आ जाता है कि इसका मतलब जो वाई एम एल ऑफ अननोन वाटर सैंपल है, वाई एम एल आपके पास जो अननोन वाटर सैंपल है इसका मतलब उसमें एक्स बाई वी वन इंटू वी टू एम जी ऑफ सी ए सी ओ थ्री है, ठीक है। ये इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से ही आ गया। एक एम एल में कितना होगा, अगर वाई एम एल में इतना है तो एक एम एल में कितना हो जाएगा, एक्स बाई वी वन इंटू वी टू बाई वाई, ठीक है। और 1000 ml के लिए निकालोगे तो एक्स बाई वी वन इंटू वी टू बाई वाई इंटू 1000। इस फॉर्मूले से आपकी आती है टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, ठीक है जी। इस फॉर्मूले से आपकी टोटल हार्डनेस आ जाएगी। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप में जो पानी ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बॉइल्ड वाटर। तो इस बार हम करते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर टेकन, जो आपने बॉइल्ड वाटर लिया उसका जो वॉल्यूम आप ले रहे हो वो आप ले लीजिए जेड एम एल, ठीक है। एक्स वाई जेड हम पानी ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो ई डी टी ए यूज हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हम लिख देते हैं वी थ्री एम एल ई डी टी ए न्यूट्रलाइज हुआ। तो आप कह रहे हैं अब कि वी थ्री एम एल ई डी टी ए जो है आपका वो जेड एम एल बॉइल्ड वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जेड एम एल बॉइल्ड वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। V3 ml यूज हुआ ना, ब्यूरेट की रीडिंग V3 आई, तो इसका मतलब V3 ml EDTA ZML बॉइल्ड वाटर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। फिर से वो इस स्टैंडर्डाइजेशन वाले लास्ट स्टेप में आपने निकाला था कि 1 ml EDTA x by V1 mg of CaCO3 को न्यूट्रलाइज करता है, अगर इतने को करता है तो V3 ml कितने को करेगा, V3 ml करेगा आपका x by V1 into V3 mg of CaCO3 को, क्योंकि 1 ml अगर x by V1 को कर रहा है तो V3 ml कितने को करेगा, x by V1 into V3, ठीक है। अब जी आपने यहाँ पे कहा कि V3 ml EDTA जो है ZML boiled water को neutralize कर रहा है, यहाँ पे आप कह रहे हो V3 ml जो है वो x by V1 into V3 mg of CaCO3 को कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आता है कि आपके पास ZML बॉइल्ड वाटर के अंदर, बॉइल्ड वाटर को BW से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बॉइल्ड वाटर सैंपल के अंदर x by V1 into V3 mg of CaCO3 है, x by V1 into V3 mg of CaCO3 है।
फिर से वही 1 ml के अंदर कितना होगा, x by v1 into v3 इस बार v3 by z हो जाएगा। और 1000 ml के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x by v1 into v3 by z। इससे क्या आएगी आपकी, परमानेंट हार्डनेस आएगी। परमानेंट क्यों आई, क्योंकि आपने जो लिया है वो आपने क्या लिया है, इस बार बॉइल्ड वाटर लिया है, तो बॉइल्ड वाटर में से टेम्परेरी हार्डनेस तो बॉइल करने से रिमूव हो जाती है। इस फॉर्मूले से आपके आती है परमानेंट हार्डनेस। टोटल में से परमानेंट सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। एक बार फिर भी जो बच्चे लैब में परफॉर्म करते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एक्स वाई जेड आप लेते हो पानी, जिसमें एक्स होता है आपका स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, कितना लिया आपने, वाई आपने लिया अननोन वाटर जिसकी आपने हार्डनेस निकालनी है, जेड आपका होता है बॉइल्ड वाटर। वो जनरली जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आप यूजुअली 20 ml लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपकी ETTA की रीडिंग आई होगी ब्यूरेट की, उसको हम V1 से रिप्रेजेंट किया है कैलकुलेशन में। अननोन वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई है उसको मैंने V2 से रिप्रेजेंट किया है, और बॉइल्ड वाटर के लिए जो हमने लगाई वो मैंने V3 से रिप्रेजेंट किया है। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला है आपका एक्स बाय V1 इंटू V2 बाय Y इंटू 1000। तो यहाँ पे X और Y आपका पानी है जो आपने 20-20 पुट किया, जो सेकेंड स्टेप में अननोन वाटर के साथ आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई वो आप यहाँ पुट करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई थी वो आप यहाँ पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले से आपकी टोटल हार्डनेस आ जाएगी। ऐसे ही परमानेंट हार्डनेस का कैलकुलेशन से जो आपने निकाला है उसमें आप क्या करेंगे, एक्स बाय V1 इंटू V3 बाई जेड, ये फॉर्मूला है आपका, इंटू 1000। एक्स और जेड वही है, पानी रहेगा आपका एक्सटेंडेड हार्ड वाटर, जेड आपका बॉइल्ड वाटर रहेगा, V3 जो है आपका वो बॉइल्ड वाटर के साथ जो ब्यूरेट की रीडिंग आई, V1 जो है वो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ जो ब्यूरेट की रीडिंग आई। इस फॉर्मूले से आपकी आ जाएगी परमानेंट हार्डनेस। टोटल का जो आंसर आ रहा हो उसमें से परमानेंट का आंसर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी। होप अब आपका वाइवा भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपने प्रिंसिपल प्रोसीजर और ये सब कैलकुलेशन पार्ट देख लिया है तो। दी अपीयर के स्टूडेंट्स के लिए कल मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगी कुछ आपको, ताकि ETTA पे जनरली न्यूमेरिकल आ जाता है, आप वो भी अटेम्प्ट कर पाएं फाइनल्स में। हैव अ गुड डे।